हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। हमारे यूट्यूब चैनल मल्टी दीपक कुमार पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने किए हुए क्लेम के स्टेटस को चेक करेंगे, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि जो भी आपने क्लेम किया है वह उस पर किसी प्रकार की क्वेरी लगी है या वह अप्रूव हो गया। यदि वह अप्रूव हो गया तो उसकी कौन सी स्टेज चल रही है और कितने दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको आयुष्मान की ऑफिशियल वेबसाइट tms.pmjy.gov.in पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा, उस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। इस प्रकार दोस्तों आपके सामने पेज खुल जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे 7 नंबर ऑप्शन है, CAPM रेम्बर्समेंट लॉगिन, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको फिर से ऊपर आ जाना, स्क्रॉल करके आपको एरो मार्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप तीन तरीके से लॉगिन हो सकते हैं, आयुष्मान आईडी, फोर्स आईडी, नोडल यूजर। मैं यहाँ पे फोर्स आईडी से यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं अपना फोर्स नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको फोर्स टाइप डाल देना फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको गेट OTP करना है। अब जैसे आप गेट OTP करोगे तो यहाँ पे आपको OTP एंटर करना है और यहाँ पे आपको जो भी कैप्चा है वो एंटर कर देना है। फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पे OTP और कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पास ये होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे अपने क्लेम को चेक करना है, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो तीन आड़ी लाइन है इन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रेज क्लेम का। यदि आपको कोई भी नया क्लेम आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है तो रेज क्लेम में जाके आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज बना रखे हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आप भी कोई भी OPD IPD क्लेम जो आपका हो तो वो आप वीडियोज देके आराम से अपना क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दो नंबर ऑप्शन ट्रैक क्लेम, इसमें जो भी आपने अभी तक क्लेम सबमिट किए वो सब यहाँ पे शो करेंगे, जिससे आप अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हो। अभी वो कौन सी स्टेज पे पहुंचा है, वो उस पे कोई क्वेरी लगी है या अप्रूव हुआ है। यदि वो अप्रूव हो गया है तो कौन सी स्टेज पे पहुंचा और पैसा अकाउंट में आने में आपके कितने दिन लगेंगे, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नीचे पेंडिंग केस का ऑप्शन है। यदि आपने कोई भी क्लेम सबमिट किया और वो पेंडिंग में, तो वो उसमें शो करेगा। और नीचे चौथा ऑप्शन है ड्राफ्ट केस, मतलब कोई भी आपने इससे पहले क्लेम किया है तो उसको आपने अधूरा छोड़ दिया, मतलब उसको आपने सबमिट नहीं किया, तो दोस्तों वो आपका ड्राफ्ट केसेज में शो करेगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ट्रैक क्लेम पर क्लिक करते हैं। जैसे हम ट्रैक क्लेम पर क्लिक करेंगे तो अब तक मैंने जितने भी क्लेम किए हैं दोस्तों यहाँ पर सभी शो करेंगे। मैंने अभी तक 7 क्लेम सबमिट किए, 7ों के 7 तो शो करें। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर वाइज यहाँ पर सब शो करेगा। फ्रेंड्स, जैसे ये मेरा 2 नंबर क्लेम है, इसका मेरा पैसा बैंक में आ गया। यहाँ पे आप केस स्टेटस में देख सकते हो OPD क्लेम पेड बाय बैंक। हम इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो इस जो भी हमने क्लेम किया है इसके बारे में पूरी जानकारी हमें दे देगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा उसका डिटेल खुल गया। यहाँ पे पेशेंट डिटेल हो गया, इसके बाद यहाँ बैंक डिटेल हो गया, हॉस्पिटल डिटेल हो गया, और जो भी मैंने यहाँ पे मेडिसिन वगैरह ऐड की थी वो इसमें शो करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस पे क्लोज सेंक्शन हैज बीन क्लोज, मतलब ये पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। फ्रेंड्स, अब इसके अलावा मैं आपको 2 केस के बारे में बताऊँ जिनका अभी मेरा पेंडिंग में चल रहा है। जैसे फिर से हम ट्रैक क्लेम पे क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसे कि वैसे पूरे ऑप्शन आ गए। देखो दोस्तों, ये मेरा 1 क्लेम है जिसका पैसा अभी मेरे अकाउंट में नहीं है। जैसे मेरा 5 नंबर क्लेम है, ये भी कहाँ तक पहुँचा इसका आपको स्टेटस दिखाता हूँ मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स तो ये ओपन हो जाएगा। आपको ठीक वैसे पूरा इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है दोस्तों। तो जैसे मैं सबसे नीचे जाता हूँ, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 3/5 को यहाँ पे मैंने क्लेम किया था। इस पर मैंने रिमार्क डाला था, सर फॉर योर काइंड अप्रूवल प्लीज, IPD क्लेम था मेरा 21,913 रुपये का। फिर ये CEX के पास गया जिसने इसको अप्रूव कर दिया 21,913। अब फिर वहाँ से ये क्लेम मेरा गया फ्रेंड्स CPD के पास, तो CPD ने यहाँ पे मेरे 21,913 में से 20,000 रुपये अप्रूव कर दिए। IPD फुल क्लेम अप्रूव्ड बाय CPD। अब इसके बाद में आगे प्रोसेस नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स आगे ये जाएगा SHA स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के पास, उसके बाद में ये बैंक के पास जाएगा, फिर अकाउंट में आपके पैसा आएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप भी अपना जो भी आयुष्मान क्लेम है उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, उसके अपडेट के बारे में पता कर सकते हो, अभी वो कहाँ पहुँचा है, कौन सी स्टेज पर पहुँचा है। आई होप वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले जो भी न्यू वीडियोज है जिनमें आयुष्मान के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होने वाली है तो उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत।